देखिए एज ए भूतपूर्व सेना अधिकारी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस जो हमारी जो टेक्निक है, जो हमारा जो मेथड है, उसको खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में इसको एक्सपोज ना किया जाए, क्योंकि हमारा बॉर्डर मिलता है, लैंड बॉर्डर है हमारा दोनों का एक साथ जी। और आज हम अपनी टेक्निक स्टाइल उनको बता देंगे तो कल को, क्योंकि सारा जो फौज के ऑपरेशंस का क्रेडिट होता है डिसेप्शन और सरप्राइज के ऊपर, हम अपना डिसेप्शन कायम नहीं रख पाएंगे। सेना का सबसे पोटेंट हथियार, सबसे मजबूत हथियार डिसेप्शन होता है जी। कि जो हम डिसीव करके एनिमी को अपना काम कर सके। यदि हम अपनी टेक्निक ही बता देंगे तो फिर डिसेप्शन कैसे हो पाएगा? तो इस तरह से हम अपनी एक सेना को कमजोर करने की प्रयास करेंगे यदि हम अपनी पूरी वीडियो शेयर करेंगे उसके लिए। और इस तरह की ना मांग करनी चाहिए ना हमें बताना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो वीडियो मंगा लिए, सेना ने सौंप दिए। देखिए ऐसा है, सेना ने एक सेना ऐसी संस्था है जो बड़ा सिस्टमेटिक काम करती है। सेना ने अपना काम किया, आपको वीडियो सौंप दिए। ये सेना ने इस तरह से एक समझ के सौंपे सरकार को कि देखिए हमने आपके हुक्म से पालन किया है, मगर सरकार की, अब सरकार को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इन वीडियो को शेयर ना करें। और सेना ने अपना सजेशन भी दिया होगा, शायद इसी वजह से बयान ये आ रहे हैं कि नहीं शेयर किया जाएगा आज के अखबारों में लगभग सभी ने। और इसके अलावा मैं देश के नेताओं से भी ये अपील करूंगा और सबसे अपील करूंगा कि इस मुद्दे पर ज्यादा बहस ना करें और इस पर सरकार को बाध्य ना करें कि वो अब इस सेना के इस ऑपरेशन के बारे में वीडियो शेयर करें।